हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम आपको राजमा और चावल बनाना सिखाएंगे। मैंने राजमा 2 घंटे पहले भिगो दिए थे और अब ये लगभग बॉयल हो चुके हैं। अब राजमा को छोकने के लिए मैंने गैस पर थोड़ा सा ऑयल चढ़ा दिया है और ये हल्दी, नमक, मिर्च और जिंजर गार्लिक का पेस्ट, हींग सब रेडी है। तेल गर्म होने का इंतज़ार कर रहे हैं। टमाटर और प्याज भी मैंने काट के रखा है। अब जैसे ही तेल गर्म होगा, इसमें थोड़ी सी सबसे पहले हींग डाल दी जाएगी क्योंकि तेल गर्म है। देखिए हींग भुन गई है। अब हम इसमें थोड़ा सा जीरा डालेंगे, हमारा जीरा भी भुन गया है। अब इसमें हम प्याज डालेंगे और प्याज को भुनने तक का हम इंतज़ार करेंगे। देखिए प्याज भुनने के लिए रेडी हो रही हैं। इनको थोड़ा थोड़ा चलाना भी पड़ेगा, हल्के हाथ से इनको चलाते रहिए। जैसे ही हल्का हल्का ये भुन जाएगा, इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल दिया जाएगा। अब ये राजमा लगभग मेरे तैयार हैं। इसमें नमक स्वाद अनुसार, लाल मिर्च और हल्दी थोड़ी सी मैंने डाल दी है। और मिर्च अगर आप MDH की डालेंगे तो देगी मिर्च, बहुत अच्छा कलर आएगा। उसका कलर बहुत निखर के आता है राजमा का। देखो कितना रेडिश लग रहा है, बहुत अच्छा स्वाद आता है। MDH का ही यूज़ कीजिए, बहुत अच्छा टेस्ट है इनका। अब ये लगभग भुन गई है। देखो इसमें टमाटर डाल दिए हैं। अब इसको मैश करना है और कुकर में सीटी लगने का वेट करना है। अब आइए मैं आपको चावल बनाना सिखा रही हूँ। ये देखिए चावल मैंने चढ़ा दिए हैं। 2 उंगली ऊपर पानी रखो। इसमें मैं थोड़ी सी हल्दी मिला रही हूँ दोस्तों। तो हल्दी मैं इसलिए मिला रही हूँ क्योंकि शाम का समय है, मीन्स रात का डिनर है ये, तो रात में सफ़ेद चीज़ हमें नहीं खानी चाहिए। कहते हैं रात को सफ़ेद चीज़ खाने से माँ लक्ष्मी रूठ जाती है। ये देखिए चावल मैंने पकने के लिए छोड़ दिए हैं। और देखिए ये राजमा चावल कितने स्वादिष्ट लग रहे हैं, कलर कितना प्यारा लग रहा है और कितना स्वाद बना होगा, मुंह में पानी आ रहा है ना सबके।